अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐसा इमाम पैरिया टाउन कराची से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आज आपसे डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट 10B के हवाले से, और कुछ मैं इसका व्यू भी दूंगा आपको, और इसके कुछ प्लॉट्स की कंडीशन के बारे में भी बताऊंगा, और इसके साथ ही आपको इसके डिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को लाजिम पूरा देखिएगा, और एक ही बात आपसे मुस्तकिल करता आ रहा हूँ, जो कि आप मोहब्बतें दे भी रहे, मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो आने वाली इजीली मिल सके। इसके साथ ही हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तौसीफ साहब के साथ। कैसे हैं तौसीफ भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सन भाई? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से? ठाक। आप सुनाए, खैरियत से? ठीक शुक्र ठाक। शुक्र। थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं अपना प्रेसेंट 10B के हवाले से, इस टाइम पे कैसी ट्रेडिंग चल रही है और कैसे प्लॉट्स हैं। आज हमने काफ़ी अच्छा व्यू भी लिया है इसका, तो उम्मीद है कि उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि प्लॉट्स की क्या लेवल है क्या नहीं है। तो खैर, है तो बहुत एक माइनर छोटा सा प्रीसेंट, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो हमारे व्यूवर्स को तौसीफ साहब बताएं ज़रा कि कहाँ है इसकी सराउंडिंग में, नियरेस्ट कौन कौन से प्रीसेंट हैं और इनकी क्या मार्केट वैल्यू है। जी एसन भी, 10B और 11B दो प्रीसेंट हैं, बिल्कुल साइड बाय साइड हैं, जी। लेकिन इनका ये थोड़ा सा एक है कि ये मेन जो 10A और 11A उससे थोड़े से नीचे अच्छा, हैं। ये 10A और 11A आप समझे पहाड़ी के ऊपर हैं, और ये पहाड़ी से नीचे नीचे हैं दोनों। है तो व्यू के लिहाज से बहुत खूबसूरत व्यू है इनका, जबरदस्त। और बहरिया ने उस जगह पे बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट भी की हुई है। लाइट्स के हवाले से रात को बहुत खूबसूरत व्यू देता है, दिन में पार्क है कॉर्नर पे। क्योंकि वो 10A का जो व्यू उसको मिलता है, जी 11B जी को और अपना ये 10B हाँ जी को, तो ऑब्वियसली वो दो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, 10B में बैरिया होम्स भी अवेलेबल है? जी 10B में भी अवेलेबल हैं और 11B में भी डिफरेंट। अवेलेबल हैं। तो अपना व्यूवर्स को ये बताएं, इनकी अभी पोजीशंस नहीं दी हैं बैरिया ने जी जी 10B के हवाले से, जो बैरिया के 172 गज के जो विलाज है रेडी, तो उनमें कोई ताकीर का शिकार था या कोई कंस्ट्रक्शन की रुक गई थी या कुछ ऐसे थे वेरियस ऑप्शंस? जी बस इसमें ये डेवलपमेंट इनकी चल रही है, 152 के जो स्क्वेयर यार्ड के जो विलाज हैं वो उसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कुछ 11B का पोर्शन इन्होंने दे दिया है, और वो लोग वहाँ पे रहायश पज़ीर भी हैं, और उसके अलावा 10B का भी इसी तरह से पोजेशन नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। मिल जाएगा। इसके साथ हम मजीद डिस्कशन करते हैं तौसीफ साहब से भी, और आइए एक व्यू भी लेते हैं और व्यू के साथ हम डिस्कशन भी करते हैं और कुछ प्राइस के हवाले से भी बात करते हैं कि यहाँ पर अभी किस लोकेशन पे क्या प्राइस चल रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आइए एक हम व्यू के लिए चलते हैं। थैंक यू। वर्ड्स, इस टाइम पे मैं 10B का आपको कुछ व्यू दे रहा हूँ और इसके कुछ प्लॉट्स के बारे में भी, और आपको स्काई व्यू देने का एक मसला ये भी था कि आपको काफ़ी प्लॉट्स की लेवल जो है क्लियर नज़र आ दे। 10B में डिप्रेशन तो हमें बहुत कम ही नज़र आता है, स्लाइडली अगर कह सकें तो थोड़े बहुत कुछ प्लॉट्स हैं जिनका ज़्यादा डिप्रेशन है, लेकिन जो शुरू के प्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट उनका काफ़ी लेवल के प्लॉट्स मौजूद हैं। तो इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे मोहम्मद तौसीफ खान साहब के साथ। तौसीफ भाई, हमारे व्यूवर्स को आप ज़रा काइंडली बताएं कि इस टाइम पे करंट जो मार्केट है 10B की, वो क्या चल रही है, कि मतलब आगे के कुछ, मुझे ऐसा लगा कि इन्वेंट्री जो हमारे पास आ रही होती हैं जो फ्रंट के हैं वो कुछ हायर साइड पर हैं, जो बैक के हैं वो थोड़े से प्राइस उनके डाउन पे हैं, उसकी कोई ख़ास वजह कोई चीज़ ऐसी बताएं।
जी हसन भाई, जो हमारे ये फ्रंट के शुरू के जो रोड के करीब विलाज प्लॉट्स आ रहे हैं जी जी, उसमें इस तरह से है कि एक तो ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर भी हैं, ठीक है, और फिर जो पीछे बैक पे इसके बैरियर की बाउंड्री वॉल आ रही है जी जी, उससे काफ़ी दूर पड़ते हैं। जो आगे के हमारे प्लॉट्स हैं वो एक तो थोड़ा सा उनका लेवल भी जैसे आपको पता है कि नीचे हैं जी जी, स्लोप की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब आ रही है। हाँ ज़बरदस्त। और इसके साथ अपना हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या प्राइस ब्रैकेट हैं जो एक्चुअल यहाँ पर अभी इस टाइम पे चल रही हैं। हम ऑब्वियसली व्यूवर्स एक असेसमेंट देते हैं, तो डेली बेसिस का प्राइस का चेंज होता हुआ हमें बैरियर टाउन में नज़र आ रहा है। तो कोई भी प्राइस ऐसे होते हैं जो समटाइम हमारे व्यूवर्स जो है एक मंथ बाद वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं आपने वीडियो में ये बताए थे प्राइस, तो थोड़ा सा इसको मेक श्योर रखा करें कि यहाँ पर प्राइस का चेंज होता हुआ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही हम तौसीफ़ साहब से पूछते हैं कि इस टाइम पे किस प्राइस ब्रैकेट में यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। एसन भाई, अच्छा प्लॉट आपको तकरीबन जो है ना 65 से 70 की रेंज में मिल रहा है जी जी, और जो मतलब थोड़े बैक के हैं या जिसमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है प्लॉट में, तो ये आपको तकरीबन जो है 60 के जी। इस टाइम पे बहरिया ने यहाँ पर अपना तौसीफ़ साहब ये भी हमारे व्यूवर्स को बताएं कि पोजीशंस तो दे चुका है, अलॉटमेंट के साथ सब चीज़ें मिल रही हैं, कंस्ट्रक्शन भी होती हुई नज़र आ रही है। जी हसन भाई, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसका जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अली ब्लॉक के बाद यहाँ पर मूव कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, और ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह साल भर में ये तकरीबन काफ़ी आबाद हो जाएगा। गुड हो गया तौसीफ़ भाई, काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूवर्स को। और तौसीफ़ साहब, एक चीज़ और भी मुझे थोड़ा सा इस पे बताएं कि सम टाइम लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डाउन पर है, तो ऑब्वियसली हम भी देख रहे होते हैं 10A 11A से, तो ये ऑब्वियसली डाउन पर है, लेकिन जब आप नीचे आए तो ये एवेन्यू के बिल्कुल लेवल पर ही है, सही? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गोल्फ के बिल्कुल लेवल पर है, इसके आगे जितना बहरिया चल रहा है उसके लेवल के ऊपर है। असल में 10A और 11A वो हाइट पे, राइट, तो वो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी जैसे आप समझ लें जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पे बने हुए, इस वजह से वो ऐसा फील होता है कि 10B और 11B जो है बिल्कुल नीचे, जबकि वो बेसिकली गोल्फ के और आगे बहरिया के लेवल के ऊपर है। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, हमारे पास तमाम इन्वेंट्रीज मौजूद हैं सेल परचेज़ के हवाले से, आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, परचेज़ भी करना चाहें तो बिल्कुल मेरे पास बेस्ट प्राइस में यहाँ पर काफ़ी इन्वेंट्रीज मौजूद हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त भी दीजिए, मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मैंशन है, तौसीफ़ खान साहब का भी नंबर मैंशन है स्क्रीन पर, तो मज़ीद किसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ये मोहब्बत आप देते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे मिलती भी आ रही है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। एहसान इमाम, बहरिया टाउन, कराची। थैंक यू।